नमस्कार है आप सभी को। आप देख रहे हैं हमारा पीके स्मार्ट इलेक्ट्रिकल गुरुजी यूट्यूब पर चैनल है। आज हम आपको बता रहे हैं, जैसे ये हमारा टाइमर है, स्टार डेल्टा का टाइमर है, इसको कैसे चेक करें अगर ख़राब हो गया तो, अच्छा हो गया तो। देखिए ये हमारा जो टाइमर है, हम आपको अब इसका कनेक्शन करके बताएंगे और इसको कैसे चेक करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। आप देखिए, ये हम अभी आपको चेक करके बताएंगे जो ये वर्किंग में है कि नहीं है, जैसे चालू है कि बंद है, ख़राब है कि अच्छा है, ये आपको हम अभी बताएंगे। देखिए इसमें जो आप वायरिंग करते हैं तो इसमें पूरा बाकायदा डायग्राम दिया गया है। इसमें जो A1 है और A2 है, जो ये सप्लाई का है, A1 और A2 में 220 वोल्ट इसको मिलना चाहिए। 220 वोल्ट से अगर ज़्यादा होगा तो जल जाएगा, ख़राब भी हो सकता है। 220 वोल्ट से ज़्यादा नहीं दीजिएगा। और यहाँ भी देख लीजिए, ये आपका 16 और 15 है, 16 और 15 और 18 भी है, और इसके बाद ये आपका 25 और 26 और 28 है। तो ये 16 और जो 15 है ये आपका NC है, और 16 और जो 18 है वो आपका NO है, और उसी तरह दूसरा है जो आपको 25 और 26 है जो NC है, और 26 और 28 है जो NO है। अगर आप 15 में सप्लाई देंगे तो 16 में आएगा, और 25 में सप्लाई देंगे तो 26 में आएगा। चलिए इसको हम सप्लाई आपको दिखाते हैं कैसे कैसे है, कैसे करना पड़ता है। देखिए अब हम इसको शुरू करते हैं। ये हमारा लाइन है जो टाइमर के A1 जो लिखा है, उसमें A1 में आप फेज दीजिए, और यही फेज है, यही जो फेज आया है, यही फेज आप उठा के ये जो आपका 15 नंबर है और 25 नंबर है यहाँ पे शॉर्ट कर दीजिए। देखिए हम अभी शॉर्ट करके आपको बता रहे हैं। देखिए अभी हम जो सप्लाई हमारा ये जो आया है, A1 में सप्लाई आ गया, और A1 से उठा के हम 15 नंबर में दिए, और 15 नंबर से उठा के हम 25 नंबर में इसको सप्लाई देंगे। ये हमारा 25 नंबर में सप्लाई आ गया। देखिए हम अपना ये 25 नंबर में सप्लाई दे दिए हैं, और क्या करेंगे, एक हम A2 है जहाँ पे हम एक न्यूट्रल देंगे, जो न्यूट्रल देंगे तो सप्लाई इसमें 220 वोल्ट दे के देखेंगे। दो सौ बीस वोल्ट से ज़्यादा जो टाइमर जल जाएगा। ये हमारा न्यूट्रल है और ये हमारा फेज है, इसको हम सप्लाई देंगे। ये हमारा बोर्ड है, देखिए यहाँ पे पावर है, अब इसको हम सप्लाई देंगे। ये देखिए ये हमारा फेज है जो बल रहा है, ये देखिए ये फेज है, तो हम अपना ये जो A1 है इसको हम फेज में देंगे। ये हमारा फेज हो गया, और जो हमारा A2 है इसको हम न्यूट्रल में देंगे। ये हमारा सप्लाई आ गया, देखिए हमारा ये आ गया स्टार में। अब ये हम 10 सेकेंड में रखे हुए हैं, देखिए 10 सेकेंड के बाद हमारा चला गया डेल्टा में। तो ये क्या है कि अभी आपको देखिए 16 नंबर में सप्लाई है, देखिए 16 नंबर में सप्लाई है, 18 नंबर में आपका नहीं है। और इसको हम फिर लाइन देंगे तो लाइन देते हैं, हमारा ये 18 नंबर में सप्लाई आएगा, देखिए 18 नंबर में सप्लाई है। अभी हम इसमें बॉल लगा देते हैं, CFL लगा देते हैं, देखिए उसके बाद आप देखिएगा।
देखिए हम यहाँ पे दो एलईडी लिए हुए हैं, एलईडी बॉल है। अब इसको हम बताएंगे आपको लाइन देके और टाइमिंग चेंज करके, ये जो है दोनों आप न्यूट्रल में दे दीजिए। जो न्यूट्रल लाए हैं वहीं पे आप दे सकते हैं। देखिए हम इसको हम डायरेक्ट न्यूट्रल में दे रहे हैं टाइमर के साथ भी। ये देखिए ये अच्छा से हम इसको न्यूट्रल में दे दिए हैं, दोनों एलईडी का एक एक तार न्यूट्रल में दे दिए हैं। अब एक एक बॉल का जो फेज है उसको हम 18 नंबर में दे रहे हैं और दूसरा बॉल का जो हमारा सप्लाई है उसको हम 16 नंबर में दे रहे हैं। ये इसलिए दे रहे हैं कि हमारा आपको दिखे जाए हमारा टाइमर सही है कि गलत है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप बाहर भी चेक कर सकते हैं, चाहे तो मीटर से चेक कर सकते हैं, सीरीज से भी चेक कर सकते हैं। अभी ये सिर्फ आपके लिए हम लाए हैं। ये देखिए हमारा दो बॉल है, ये जब हम अपना लाइन देंगे तो एक बॉल बंद, एक बॉल चालू होगा और एक बॉल बंद हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा न्यूट्रल है, जो न्यूट्रल के साथ न्यूट्रल दे रहे हैं और फेज के साथ हम अपना फेज दे रहे हैं। ये देखिए हमारा बॉल एक जल रहा है एलईडी 10 सेकेंड में, और 10 सेकेंड के बाद देखिए हमारा दूसरा हमारा जल गया। इसका मतलब ये टाइमर ठीक है और इसका कनेक्शन करने के लिए भी आप सेम टू सेम यही कनेक्शन कीजिए, चाहे स्टार डेल्टा में कनेक्शन करें या कहीं लगाना हो तो इसको आप टाइमिंग बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। अभी देखिए फिर इसको हम ऑफ ऑन करके बता रहे हैं आपको। ये हमारा लाइन कट गया, अब लाइन आएगा तो हमारा एक बत्ती बलेगा। देखिए हमारा ये बत्ती बला है और 10 सेकेंड के बाद ये बंद हो जाएगा और ये चालू हो जाएगा। देखिए ऐसे आप टाइमर को चेक कर सकते हैं और टाइमर को कहीं लगा भी सकते हैं स्टार डेल्टा में। जो हम आज आपको टाइमर चेक करने की विधि बताए हैं, कैसे इसको चेक करते हैं और कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, आराम से आप देख सकते हैं। एक एक तार हम आपको बताएं कहां से कहां कौन सा तार लगेगा, कहां से कहां कौन सा वायर जाएगा, हम आपको टोटल बताए हैं। ये हमारा टाइमर आप चेक कर सकते हैं, 220 वोल्ट का है, 220 वोल्ट से ज़्यादा मत दीजिएगा नहीं तो जल जाएगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना हो सके जितना शेयर कर दीजिए। हम और आपके लिए नए नए वीडियो बना के भेजेंगे और चलाएंगे भी। आप हमारे वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।